भारतीय पेंशनर मंच के तत्वाधान में कलेक्ट्रेट स्थित बार एसोसिएशन के सभागार में बैठक का आयोजन किया गया, जिसके संबंध में भारतीय पेंशनर मंच के संस्थापक बीएस यादव ने बताया कि भारतीय पेंशनर मंच एक राष्ट्रवादी पेंशनधारियों का एक संगठन है, जिसमें अब तक देश के 17 राज्यों में 36 गांवों के सैकड़ों पेंशनधारियों ने सदस्यता ग्रहण की है, जो कि 15 अगस्त 2018 को प्रदेश के सीतापुर शहर से शुरू हुआ था। उन्होंने कहा कि यह बैठक पेंशनधारियों की कुछ मांगों पर चर्चा करने के लिए की गई है। पेंशनधारियों को आयकर से मुक्त करना, 65 वर्ष की आयु से पेंशन में 10% बढ़ोतरी, देश के सभी जिलों में CGHS के अंतर्गत वेलनेस सेंटर खोलना, पेंशनधारियों को रोजमर्रा के अपने इलाज करवाने में हो रही कठिनाइयों का समाधान करना है। इसलिए हमारी प्रधानमंत्री से मांग है कि इन सभी मांगों को पूरा किया जाए। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए भारतीय पेंशनर मंच के संस्थापक बीएस यादव ने कहा, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत वंदे मातरम। जब राष्ट्रवादियों की बात करते हैं तो राष्ट्रवाद से तात्पर्य क्या है? भारतीय चिंतन वाले ऐसे तमाम पेंशनरों को समर्थित करने का कार्य भारतीय पेंशन मंच पिछले 4 साल से निरंतर कर रहा है। आज देश में 17 राज्यों और 36 विभागों हमारे पेंशनर साथी भारतीय पेंशन मंच के विधिवत सदस्य बने हुए। यह जो भारतीय पेंशन मंच है किसी एक विभाग का नहीं है। एक बात हम आपको स्पष्ट बताना चाहते हैं कि स्थापना के दिन से ही, यद्यपि स्थापना के समय केवल 10 पेंशनर भारतीय पेंशन मंच की स्थापना की, लेकिन 10 पेंशनर में 6 पेंशनर अन्य अन्य विभाग के और 4 पेंशनर डाक विभाग। तो पहले दिन से ही भारतीय पेंशन मंच ने ये संकेत दिया है कि भारतीय पेंशन मंच तमाम पेंशनरों का संगठन है, केवल एक विभाग के पेंशनरों का संगठन नहीं है। आभार और आपकी बात समय का ध्यान रखते हुए। वीएस यादव, फाउंडर जनरल सेक्रेटरी भारतीय पेंशन मंच। भारतीय पेंशन मंच एक गैर राजनीतिक, गैर सार्वजनिक, स्वतंत्र संगठन है और ये राष्ट्रवादी पेंशनरों का संगठन है। भारत माता हमारा लोगो है और भारत माता के लिए अगर हमें कुछ करना है, यानी राष्ट्र हमारे लिए सर्वोपरि है, राष्ट्र के लिए अगर कुछ करना है तो मंच हमारे लिए द्वितीय है। राष्ट्र के लिए हम पहले विचार करते हैं, सोच करते हैं और उसका चिंतन करते हैं, फिर हम मंच का चिंतन करते हैं, फिर अपने पेंशनरों का चिंतन करते हैं। और इस दृष्टि से आज देश में 17 राज्यों में और 36 विभागों से पेंशनर, सैकड़ों पेंशनर मंच के विधिवत सदस्य बन चुके हैं। कोई दिन ऐसा नहीं है कि कोई ना कोई पेंशनर मंच का सदस्य ना बनता, हर रोज़ कहीं ना कहीं से पेंशनर मंच के सदस्य बनते। आज भी नासिक से कार्यक्रम गोरखपुर में हो रहा है, गोरखपुर में अनेक सदस्य आज बनेंगे पेंशनर, नासिक से एक पेंशन हमारा सदस्य बना है। 4 दिन से लगातार नासिक से पेंशनर सदस्य बन रहे, तो हर रोज़ ये हमारा संपर्क अभियान चलता रहता है। और ये जो संपर्क अभियान 15 अगस्त 2018 उत्तर प्रदेश के सीतापुर से ही शुरू हुआ और आज गोरखपुर में अपना गोरखपुर जिला और गोरखपुर जिला के इर्द गिर्द के जितने अपने पेंशनर साथी हैं वो सभी आए हैं और गर्मी का मौसम है, अभी साथी आ भी रहे हैं, लगता है कि ये हाल हमारा भर जाएगा, तो सभी साथी इसमें शरीक हो रहे हैं। पेंशनरों के मुद्दों पर हम चर्चा करने, इसमें हमारी 3-4 मुख्य मांगे हैं। जैसे आज जो पेंशनर साथी हैं उनका समय से इलाज नहीं होता, और जो छोटे शहर हैं, दिल्ली में कोई समस्या नहीं है, राष्ट्र की राजधानी है, लेकिन बाकी शहरों में गोरखपुर है, यहाँ एक CGHS सेंटर है, इतना बड़ा शहर है, कम से कम यहाँ 4-5 CGHS के सेंटर होने चाहिए।
गोरखपुर के अंदर एम्पेनल हॉस्पिटल नहीं है। सीजेएचएस से अंतर्गत एम्पेनल हॉस्पिटल कम से कम 5 होने चाहिए। ये बात हमने लिखित में भारत के स्वास्थ्य मंत्री को दिया है कि हर सिटी के अंदर कम से कम 5 एम्पेनल हॉस्पिटल होने चाहिए। ये प्रस्ताव 19 फरवरी 2022 हमारा राष्ट्रीय द्वितीय राष्ट्रीय अधिवेशन में हमने पारित किया, वो भारत सरकार को दिया। हमने भारत सरकार को ये भी लिख कर दिया है कि हर ज़िले के अंदर सीजीएचएस सेंटर होने चाहिए। भारत सरकार की तरफ से, स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से हमें लिखित में जवाब मिला है कि हर ज़िले के अंदर सीजीएचएस वेलनेस सेंटर हम खोलें। अब उसमें देरी हो रही है, इसलिए हमारा ये कहना है कि जितना जल्दी हो वो खोले जाएँ। क्या मांगे हैं? हमारी मांग, जैसे हमने बताया, कि भारत सरकार पेंशन पर आयकर वसूलना बंद करे। भारत सरकार पेंशनर को 65 वर्ष की आयु से उसकी पेंशन में 10% बढ़ोतरी करे। पेंशन की आयु जब 80 साल हो उसको जो है 100% पेंशन दे। और सीजीएचएस से जो कवर्ड जो पेंशनर नहीं है उनको 1,000 रुपया जो भत्ता दिया जाता है वो आज की महंगाई में बहुत कम है। दवाइयों के दाम बहुत ज़्यादा हो गए हैं, इसलिए कम से कम 10,000 रुपया उनको मेडिकल अलाउंस देना चाहिए, ये हमारी मांग है। एक बात आखिर में मैं कहना चाहता हूँ, हमारे पेंशनर साथी और हम सबको भारत के संविधान ने मौलिक अधिकार दिए हैं। उस मौलिक अधिकार में जैसे हमें अपनी बात कहने का अधिकार है, अपने विचार व्यक्त करने का अधिकार है, उसी तरह से हमें अपने मतदान का भी अधिकार है। हर नागरिक को भारत के संविधान ने मतदान का अधिकार दिया है। हमारा कार्यकर्ता, हमारा सदस्य, हमारा पदाधिकारी किसी पार्टी को वोट दे, किसी पार्टी का समर्थन करे, किसी पार्टी के लिए काम करे, लेकिन भारतीय पेंशन मंच और भारतीय पेंशन मंच का कोई भी नेता मंच के नाम से किसी पार्टी का ना समर्थन करेगा ना किसी पार्टी का विरोध करेगा। हम अपने मंच को राजनीति से बिल्कुल दूर रखा और हम अपने मंच को राजनीति से दूर रखेंगे, ये हमारा दृढ़ संकल्प है, इसको लेकर हम चल रहे हैं।